हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपिका प्रजापति फ्रॉम कंप्यूटर डिपार्टमेंट एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ न्यू एडिशनल कंट्रोल। एज आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो वाला जो हमारा कंट्रोल्स है प्रोग्रेस बार कंट्रोल। सो ये जो हमारा प्रोग्रेस बार कंट्रोल है उसका वर्किंग क्या है, इसको हम किस तरह से विजुअल स्टूडियो में एक्सेस कर सकते हैं विद कोडिंग के साथ। सो ये वाला जो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है प्रोग्रेस बार का, इसके साथ हम सेकेंड जो कंट्रोल है टाइमर कंट्रोल, वो दोनों टॉपिक यहाँ पे हम कवर कर लेते हैं। सो लेट स्टार्ट द प्रोग्रेस बार कंट्रोल। सो इट रिप्रेजेंट्स विंडोज़ प्रोग्रेस बार कंट्रोल एंड इट इज़ यूज टू प्रोवाइड अ विजुअल फीडबैक टू योर यूजर्स अबाउट द स्टेटस ऑफ सम टास्क। आप लोगों को शायद पता है, यदि आप लोगों को कोई भी फाइल या फोल्डर कॉपी कर रहे हो और कोई दूसरी जगह जो है जहाँ पे आप लोग स्टोर करना चाहते हो फाइल, अदरवाइज फोल्डर जो है उसको पेस्ट करना चाहते हो, सो वैन एवर यू सिलेक्ट एनी फाइल एंड फोल्डर एंड कंट्रोल सी करके आप लोग कॉपी करके जब आप कंट्रोल वी पेस्ट कर रहे होते हो, तब जो ग्रीन लाइन जो स्टार्ट से लेके 100 तक जो आपकी पेस्ट की प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती, तब तक जो वो ग्रीन लाइन आप लोगों को शो होती है वो क्या है, तो वो प्रोग्रेस बार है। सो उसको हम प्रोग्रेस बार कहते हैं। जो हमारा जो कोई भी टास्क है उसको कंप्लीट करने के लिए जो फीडबैक देता है उसको हम प्रोग्रेस बार कहते हैं। सो लेट स्टार्ट द प्रोग्रेस बार। जो कंट्रोल है वो राइट से लेके लेफ्ट तक, सॉरी लेफ्ट से लेके राइट तक का जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एट ए टाइम उसको प्रोग्रेस करता है। सो इट शो अ बार दैट फिल्स इन फ्रंट ऑफ लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक बार जो है वहाँ पे लेफ्ट से लेके राइट तक की प्रोसेस जो हमारी हो रही होती है ग्रीन लाइन में, सो ग्रीन कलर में, वही हमारा प्रोग्रेस बार है। और जो प्रोग्रेस बार कंट्रोल है वो टिपिकली यूज्ड बाय एन एप्लीकेशन परफॉर्म अ टास्क सच एज अ कॉपी फाइल, प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट, सो एंड सो। सो इस तरह की जब तक आप लोग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है तब तक आप लोगों को ग्रीन लाइन जो कलर में शो होती है स्टार्ट से लेके एंड तक, इट मीन्स लेफ्ट से लेके राइट तक, वो हमारा प्रोग्रेस है। सो उसका प्रॉपर्टी टेबल जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रेस बार के लिए, वो है नेम, मैक्सिमम, मिनिमम, स्टाइल एंड वैल्यू। ये सारी जो प्रॉपर्टी है वो हम प्रोग्रेस बार के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद उसकी मेथड एंड इवेंट्स जो है वो भी हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। उसकी मेथड कौन कौन सी है, इंक्रीमेंट है, रिसेट टेक्स्ट है, टू स्ट्रिंग है, उसके बाद क्लिक इवेंट है, लीव इवेंट है, वो सारी इवेंट एंड मेथड्स हम लोग प्रोग्रेस बार कंट्रोल जो है उसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने एग्जांपल दिया हुआ है, इस तरह से लाइनिंग जो ग्रीन कलर की लेफ्ट से लेके राइट तक अपना टास्क जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये ग्रीन लाइन जो है वो स्लोली स्लोली इंक्रीमेंट होके एंड तक कंप्लीट होकर हमारा जो टास्क है वो फिनिश हो जाता है। सो इस तरह का जब आप लोगों को दिखाई दे रहा होता है अपनी स्क्रीन पे, यही हमारा प्रोग्रेस बार है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम इसे प्रैक्टिकली परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को विजुअल स्टूडियो जो है वो ओपन करना है। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन करके रखा है। सो यहाँ से अब मैं प्रोग्रेस बार जो ये टूल बॉक्स लेफ्ट हैंड पैन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सो ये लेफ्ट हैंड पैन में जो टूल बॉक्स है वहाँ से आप लोगों को प्रोग्रेस बार जो है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आप लोगों को इसका कोडिंग थोड़ा सा टफ है लेकिन आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा, डोंट वरी। जो आप ये वीडियो जो है वो एंड तक शो करेंगे, एंड तक देखेंगे, यहाँ पे मैं आपको कम्प्लीटली कोडिंग भी अंडरस्टैंड करवाऊंगी। सो ये वीडियो एंड तक आप लोगों को देखना है किस तरह से प्रोग्रेस बार जो है वो परफॉर्म होता है। सो यहाँ पे जो मैंने प्रोग्रेस बार जो है मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है, उसके बाद मैं दो बटन्स ले लेती हूँ। ये मेरा फर्स्ट है बटन एंड यहाँ पे सेकंड बटन है। ये जो बटन्स है उसका नेम भी हम लोग चेंज कर देते हैं अब। सो पहला वाला बटन जो है उसको हम स्टार्ट बटन कहते हैं अभी, और जो सेकंड वाला जो बटन है उसको हम रीनेम करके रीसेट दे देते। सो पहले जो यहाँ पे उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी है बटन वन, वहाँ जाके मैं उसका नेम दे देती हूँ स्टार्ट। सेकेंड जो बटन मेरा है उसका नेम मैं रख लेती हूँ रीसेट। और ये
हमारा प्रोग्रेस बार है, उसके बाद मैं एक लेबल भी ले लेती हूँ ताकि मुझे जो मैसेज यहाँ पे दिखाना है वो मैं लेबल के थ्रू दिखाऊंगी। सो ये लेबल जो है वहाँ जाके उसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ जो टेक्स्ट अलाइन है वहाँ जाके मैं चेंज कर देती हूँ, मिडल सेंटर कर देती हूँ ताकि मेरा जो मैसेज जो है वो मिडल में मुझे मिले। और उसके बाद उसकी जो सेकंड प्रॉपर्टी है यहाँ फॉन्ट, जो फॉन्ट प्रॉपर्टी है वहाँ जाके मैं उसका फॉन्ट भी चेंज कर देती हूँ। सो यहाँ से आप लोग फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पे बोल्ड कर देती हूँ और उसकी जो साइज़ है वो भी 10 रख देती हूँ एंड ओके। सो मेरी लेबल की ये प्रॉपर्टी है मैंने सेट की है, आप लोग भी अपनी तरह से लेबल की प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। उसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है टाइमर। अब यहाँ से टाइमर आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ मैं सर्च कर लेती हूँ टाइमर, क्योंकि मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये रहा हमारा टाइमर। टाइमर जो है वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेती हूँ। ये वाला टाइमर जो है वो फॉर्म में नहीं आएगा, वो हमारी जो विंडोज़ फॉर्म की एप्लीकेशन है उसके बॉटम साइड में आप लोगों को दिखाई देगा इस तरह से टाइमर। आपको यहाँ जो टाइमर है उसकी भी प्रॉपर्टी सेट करनी है, लेकिन हम जो प्रॉपर्टी सेट करने वाले हैं टाइमर की वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अभी वो यहाँ टेबल में से आप लोग चेंज नहीं करोगे, लेकिन मैं कोडिंग में चेंज करूँगी। यहाँ पे जो है इंटरवल 100 वो स्पीड है हमारी, कितनी स्पीड में हमारी फाइल कॉपी हो रही है। ये हमारी स्पीड अभी 100 जो है वो बेसिकली नॉर्मल है, बाय डिफ़ॉल्ट हम इतनी ही रखते हैं, उसको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अनेबल है जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है, लेकिन जब हमारी प्रोसेस शुरू होगी हम उसको ट्रू करेंगे ताकि हमारा टाइमर जो है वो अनेबल हो जाए। अब हम कोडिंग करने का स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप लोग स्टार्ट बटन जो है वहाँ पर डबल क्लिक कर लो। डबल क्लिक करने के बाद आप लोगों को कोडिंग स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। पहले मुझे जो हमारा प्रोग्रेस बार है उसका इनिशियलाइजेशन चाहिए। पहले मैं क्या करने वाली हूँ, जो स्टार्ट बटन है वो स्टार्ट बटन में, यदि हम हमारी प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं टाइमर भी अनेबल होना चाहिए। टाइमर अनेबल करने के लिए मैं पहले जो हमारा टाइमर है उसको अनेबल करती हूँ। टाइमर 1 डॉट अनेबल और उसको इनिशियलाइज वैल्यू ट्रू करने के लिए इज इक्वल्स टू आपको क्या वैल्यू देनी है, ट्रू। देन सेकेंड, हमारी जो टाइमर कम्प्लीटली अनेबल हो जाने के बाद जो हमारा प्रोग्रेस बार है वो कितने टाइम में हमारी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करेगा, उसका मैक्सिमम भी आप लोगों को देना पड़ेगा वैल्यू। यहाँ पे मैं प्रोग्रेस बार जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी दे देती हूँ। प्रोग्रेस बार 1 डॉट उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे मैं 100 दे देती हूँ। 100 के टाइम तक मुझे जो हमारी फाइल है कॉपी हो रही है उसकी प्रोसेस कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद एक वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज़ कराना पड़ेगा। इनिशियलाइज़ कराने के पहले हमें पहले वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। मैं एक वेरिएबल यहाँ एज अ ग्लोबली, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक वेरिएबल जो है वो मैं यहाँ एक ग्लोबली डिक्लेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ डिम आई एज अ इंटीजर, ये मैंने ग्लोबली डिक्लेयर किया हुआ है और इसी को अब हम इनिशियलाइज करते हैं। इनिशियलाइज़ का मीनिंग क्या होता है आप लोगों को अंडरस्टैंड है, आप लोगों को पता ही है इनिशियलाइज़ का मीनिंग होता है कि हम उसको वैल्यू असाइन करें। यहाँ पे हमने आई जो है उसको डिक्लेयर कर दिया है, अब हम उसकी वैल्यू जो है उसको इनिशियलाइज़ करते हैं, आई इज़ इक्वल्स टू 1। हमारा ये वाला जो कोडिंग है वो बटन स्टार्ट है उसके लिए है। अब सेकेंड हमारा जो बटन है रिसेट, उसके लिए भी हमें कोडिंग करना पड़ेगा। ये वाला रिसेट है उसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पे बटन 2 अंडरस्कोर क्लिक जो है
वो ओपन हो चुका है। सो यहाँ पे अब हम वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं बटन में भी। सो यहाँ पे आई इज इक्वल्स टू 1, देन प्रोग्रेस बार की जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे भी हमें इनिशियलाइज करनी है। सो प्रोग्रेस बार 1 डॉट, इसकी वैल्यू जो है वो हम इनिशियलाइज 0 से स्टार्ट करेंगे। सो वैल्यू इज इक्वल्स टू 0, एंड उसके बाद हमें जो लेबल में टेक्स्ट मिलना चाहिए उसके लिए लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, अभी जो हमने टेक्स्ट लिया हुआ है वो ब्लैंक रखते हैं क्योंकि उसका मैसेज जो है वो हमें टाइमर की जो कोडिंग है उसमें चाहिए। सो ये वाला आपको ब्लैंक रखना है। उसके बाद ये टाइमर है उसी के ऊपर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग डबल क्लिक करते हो इस तरह से टाइमर की जो इवेंट है टिक इवेंट, यहाँ पे देख सकते हो टाइमर की कौन सी इवेंट यहाँ पे आई है, टिक इवेंट, टाइमर 1 अंडरस्कोर टिक। तो यहाँ आप लोगों को जो टाइमर की टीवी टिक इवेंट है वहाँ पर अब कोडिंग करना है। सो वहाँ पे अब हम कोडिंग करने जा रहे हैं, तो उस टाइमर में भी आप लोगों को वैल्यू असाइन करना है। सो यहाँ पे जो आपने दी है 0 वैल्यू, सो 0 से भी आपको आगे जाना है इंक्रीमेंट करके। सो यहाँ पे आप लोग क्या राइट डाउन करेंगे, प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, आप लोगों को इंक्रीमेंट करना है इसलिए प्रोग्रेस बार 1 डॉट वैल्यू प्लस 1, इस तरह से कोडिंग करना है। और उसके बाद हमारी जो प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है सो उसको हमें मैसेज भी नीचे शो होना चाहिए, इसलिए लेबल 1 डॉट टेक्स्ट, वहाँ पे मुझे इस तरह से मैसेज मिलना चाहिए कि हमारी प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मैसेज प्रोसेस स्टार्ट, हमारी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एंड हमारा जो वेरिएबल है उसको भी इनिशियलाइज करना है, जो ऑलरेडी हमने सॉरी इनिशियलाइज तो किया हुआ है लेकिन यहाँ पे भी असाइन करना है जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है आई। एंड स्टार्ट होने के बाद कितनी परसेंट हमारी प्रोसेस कंप्लीट हुई है वो भी हमें दिखाना है, इसीलिए परसेंटेज में हम कंप्लीट का भी मैसेज पास करेंगे। सो कंप्लीटेड इस तरह से। एंड हमारी प्रोसेस जो है वो किस तरह से स्टार्ट होगी वो भी हमें दिखाना है। सो हम दिखाने के लिए हमारा जो वेरिएबल है आई उसको इंक्रीमेंट करके आगे जो वैल्यू है उसके साथ असाइन करेंगे, एंड कंडीशन यूज़ करेंगे इफ़ आई ग्रेटर देन 100 देन हमारा जो आई वेरिएबल स्टार्ट होता है 0 से लेके 100 तक, तब तक हमें टाइमर जो है वो अनेबल किया हुआ है, वो 100 से आके जब कंप्लीट होता है तब उसको डिसेबल करना है ताकि हमने जो यहाँ पे ट्रू वैल्यू दी हुई है उसको अब हमें फॉल्स में कन्वर्ट करना है। सो अब हम क्या करेंगे, देन के बाद हमारा जो टाइमर है जो अब कंप्लीट होने वाली है प्रोसेस तब उसको अब हम डिसेबल करेंगे। लेकिन डिसेबल करने के लिए आप लोगों को डिसेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, अनेबल की वैल्यू जो ट्रू है उसको आप फॉल्स कर दो। सो यहाँ पे अब मैं उसकी वैल्यू जो है वो फॉल्स कर देती हूँ। सो यहाँ पे मेरा कोडिंग जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को फिर से अंडरस्टैंड करवा देती हूँ, ये वाला जो कोडिंग है वो हमारा स्टार्ट के लिए है, बटन 2 जो है वो रिसेट के लिए है, और ये हमारा टाइमर जो अपना काम करना शुरू करेगा जैसे ही हम प्रैक्टिकल को परफॉर्म करेंगे। सो अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं, सो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारा आउटपुट भी आ चुका है। सो अब हम इसको परफॉर्म करने जा रहे हैं। सो आप लोग देख सकते हैं जैसे ही मैं स्टार्ट पे क्लिक करती हूँ हमारी प्रोसेस जो कॉपी की है वो स्टार्ट हो चुकी है और वो 100 तक कंप्लीट हो जाएगी। सो इस तरह से प्रोग्रेस बार जो है वो वर्क करता है। सो आई होप आप लोगों को कंप्लीटली अंडरस्टैंड हो चुका होगा।
सो ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो जीटीयू की यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बारी बारी से कई पेपरों में आस्क हो चुका है और हमारी आने वाली जो एग्ज़ाम है उनमें भी आस्क शायद हो चुका है, शायद नहीं, मैं तो यही कहूँगी ये क्वेश्चन आने ही वाला है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आस्क हो चुका है। सो आप लोगों को ये जो क्वेश्चन है वो ठीक तरह से अंडरस्टैंड करना है, इस तरह का कोडिंग भी लिखना है और उसका आउटपुट भी आप लोगों को दिखाना है। सो ये हमारा प्रोग्रेस बार जो है वो कम्प्लीटली आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो फिर से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये हमारा जो कोडिंग है। सो ये कोडिंग के पहले तो हमने डिज़ाइन किया था, तो आप लोगों को इस तरह से पहले डिज़ाइन करना है कैसे। सो यहाँ पे प्रोग्रेस बार लेना है, लेबल लेना है, स्टार्ट बटन, रिसेट बटन एंड टाइमर लेना है। इसी के साथ हमने टाइमर का भी कंसेप्ट क्लियर कर लिया है। यदि आपको एग्ज़ाम में टाइमर कंट्रोल भी आस्क होता है तब भी आप लोग ये वाला एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हो। यदि प्रोग्रेस बार आए तो भी आप लोग ये एग्ज़ाम्पल दे सकते हो, टाइमर आए तो भी आप लोग ये एग्ज़ाम्पल दिखा सकते हो एग्ज़ाम में। ओके, सो ये जो हमारा टाइमर कंट्रोल एंड प्रोग्रेस बार है दोनों टॉपिक एक ही लेक्चर में कवर हो चुके हैं। सो हम अलग से अब टाइमर कंट्रोल जो है उसको स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों को अपनी खुद की तरह से लॉजिक लगाकर टाइमर को यूज़ करना है तो आप लोग कर सकते हो। ओके, सो ये हमारा प्रोग्रेस बार है एंड टाइमर कंट्रोल है, दोनों एक ही टॉपिक ने हमने कवर कर लिया है। सो आप लोगों को यदि प्रोग्रेस बार एंड टाइमर कंट्रोल एग्ज़ाम में आज को हो तो आपको इस तरह से उसका डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद ऐसे डिज़ाइनिंग करना है। डिज़ाइनिंग कंप्लीट करने के बाद यहाँ से लेके लास्ट तक आप लोग देख सकते हो, यहाँ से लेके लास्ट तक उसका कोडिंग करना है। कोडिंग करने के बाद आप लोगों को इस तरह से आउटपुट भी ड्रॉ करना है। ओके, सो ये हमारा आउटपुट भी आप लोग देख सकते हो, मैंने आपके सामने ही इसको परफॉर्म किया है। सो आई होप डियर ऑल स्टूडेंट यू ऑल इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दिस कंसेप्ट टाइमर कंट्रोल एंड प्रोग्रेस बार कंट्रोल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। यदि आप लोगों को मेरा वीडियोस अच्छा लगता है, अंडरस्टैंड इजी तरीके से हो जाता है तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे यूट्यूब में भी कमेंट कर सकते हो, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हमें व्हाट्सएप में या गूगल क्लासरूम में भी कह सकते हैं। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपिका प्रजापति फ्रॉम कंप्यूटर डिपार्टमेंट एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन न्यू एडिशनल कंट्रोल एज रिच टेक्स्ट बॉक्स। हम लोगों ने पहले जो वीडियो सीरीज है वहाँ पे कई सारे एडिशनल कंट्रोल ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि डेट टाइम पिकर कंट्रोल, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल, कॉम्बो बॉक्स कंट्रोल। एंड अभी हमारा जो प्रीवियस था वहाँ पर हमने पिक्चर बॉक्स कंप्लीट किया है। अब आज हमारा जो लेक्चर्स है वहाँ पर हम न्यू एडिशनल कंट्रोल अब स्टडी करने जा रहे हैं। वो जो हमारा न्यू एडिशनल कंट्रोल्स जो है वो है रिच टेक्स्ट बॉक्स। सो रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है वो हमारा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स के कैसे डिफरेंट होता है, उन दोनों में डिफरेंट क्या है, हम टेक्स्ट बॉक्स को रिच क्यों कहते हैं। सो यहाँ पे आप लोग उसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो। रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है उसको हम कोर ऑफ फुल ब्लाउन वर्ड प्रोसेसर भी कह सकते हैं। सो द रिच टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल इज़ द कोर ऑफ फुल ब्लाउन वर्ड प्रोसेसर एंड इट प्रोवाइड्स ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। जो कि हमारा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है उसकी सारी फंक्शनैलिटी ये रिच टेक्स्ट बॉक्स है वो भी देता है, लेकिन ये जो हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स है वो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स से कैसे डिफरेंट है। सो ये जो रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है वो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स का एडवांस वर्जन है, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स से ज़्यादा प्रॉपर्टी, इवेंट्स और मेथड ये रिच टेक्स्ट बॉक्स है वो एक्सेस करने देता है। सो इट कैन हैंडल मल्टीपल टाइप फेसिस, साइज एंड एट्रीब्यूट्स एंड अदर ऑफर्स प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द मार्जिन ऑफ द टेक्स्ट। सो दैट्स वाई वी कैन सी एज दिस टाइप ऑफ टेक्स्ट बॉक्स इज रिच टेक्स्ट बॉक्स।
ये वाला जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्ज़ाम में कई बार आस्क हो चुका है, और आने वाली एग्ज़ाम में भी मे बी ये क्वेश्चन आएगा। ये जो रिच टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका डिफरेंट GTU के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आस्क हो चुका है। गिव द डिफरेंस बिटवीन सिंपल टेक्स्ट बॉक्स एंड रिच टेक्स्ट बॉक्स, ये वाला जो क्वेश्चन आस्क होता है। तो आप लोगों को पहले सिंपल जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको डिस्क्राइब करना है, उसके बाद एडवांस वर्जन उसका जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसको डिस्क्राइब करना है। लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग उसका डिफरेंस भी देख लेते हैं कि उसका डिफरेंट क्या है। वो हम प्रॉपर्टीज टेबल के बाद हमारा जो लाइव प्रैक्टिकल डेमो है उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे उसका डिफरेंस। ये वाला जो हमारा प्रॉपर्टी टेबल है जहाँ पे जो प्रॉपर्टी दी हुई है, बैक कलर, फॉर कलर, मैक्सिमम लेंथ, मल्टी लाइन, रीड ऑनली टेक्स्ट, ये सारी प्रॉपर्टी हमारी टेक्स्ट बॉक्स जो सिंपल है उसकी भी है। ये सारी प्रॉपर्टी के अलावा रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसकी क्या जो प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट बॉक्स अलाउ नहीं करता। वो हम प्रैक्टिकल जो हमारा अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वहाँ पर ही हम आप लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह से मोर देन ज़्यादा जो प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स में वो टेक्स्ट बॉक्स में नहीं कर सकते। ये प्रॉपर्टी टेबल के बाद जो मेथड है वो रिच टेक्स्ट बॉक्स में हम यूज़ कर सकते हैं वो है अपेंड टेक्स्ट, क्लियर, सिलेक्ट ऑल, अंडू, ये सारी जो मेथड है वो हम रिच टेक्स्ट बॉक्स में यूज़ कर सकते हैं। अपेंड टेक्स्ट जो है वो किसके लिए यूज़ होता है, दिस मेथड यूज टू अपेंड टेक्स्ट टू करंट टेक्स्ट बॉक्स ऑफ द कंट्रोल। क्लियर जो है वो हमारी मेथड जो टेक्स्ट जो हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्टोर हुए है उसको क्लियर करने के लिए होता है। सिलेक्ट ऑल जो है वो हमारा कंट्रोल्स के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करने के लिए है। उसके बाद अंडू जो है वो हमारा एडिट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये सारी मेथड्स हम रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद उसका जो इवेंट का टेबल है ये सारी इवेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं रिच टेक्स्ट बॉक्स में, जो कि है क्लिक इवेंट, लिंक क्लिक एंड सिलेक्शन चेंज, ये सारी इवेंट्स जो है वो हम रिच टेक्स्ट बॉक्स के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। अब उसका एग्जांपल अब हम लाइव टेक्स्ट बॉक्स जो है हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स वो परफॉर्म करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पहले विजुअल स्टूडियो ओपन करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो ओपन करके रखा है, और यहाँ से जो टूल बॉक्स लेफ्ट हैंड पेन में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये लेफ्ट हैंड पेन में जो हमारा टूल बॉक्स है वहाँ से ये रिच टेक्स्ट बॉक्स है जो ड्रैग एंड ड्रॉप कर रही हूँ मैं अभी। ये जो हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स है वो सेम लाइक टेक्स्ट बॉक्स जैसा ही है, लेकिन जो टेक्स्ट बॉक्स है उससे कई ज़्यादा एडवांस फीचर जो है ये रिच टेक्स्ट बॉक्स देता है। किस तरह का एडवांस फीचर ये रिच टेक्स्ट बॉक्स देता है, यहाँ पे आप लोग देखो इसकी सारी भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। ये फॉन्ट है, उसका फॉर कलर है, उसका लाइंस जो है वो सब कुछ हम सेट कर सकते हैं, उसका बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, इसकी कर्सर, ये सब कुछ यहाँ से हम जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसकी प्रॉपर्टी को सेट कर सकते। लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं अनदर एक प्रॉपर्टी है उसी के बारे में आप लोगों को मैं बात करने वाली हूँ जो है जूम फैक्टर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जूम फैक्टर है। जूम फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या दी हुई है, 1 है। ये जो जूम फैक्टर की वैल्यू 1 जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, इसका मीनिंग क्या है, आप लोगों को मैं रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे अभी मैंने कोई भी कोडिंग नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे डिज़ाइनिंग किया हुआ है। लेट स्टार्ट, मैं स्टार्ट करती हूँ और उसको परफॉर्म करके दिखाती हूँ ये जूम फैक्टर का मीनिंग क्या है। जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन होगा और आउटपुट आएगा तो मैं रैंडमली कोई भी अल्फ़ाबेट्स डालती हूँ। अभी परफॉर्म होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे से आउटपुट भी आ जाएगा। लेट्स सी यहाँ पे मेरा आउटपुट जो मैंने रिच टेक्स्ट बॉक्स लिया हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ जूम फैक्टर मैंने आपको दिखाया था प्रॉपर्टी में, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो थी वो 1 थी। उसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे मैं कोई भी अल्फ़ाबेट्स डालती हूँ यहाँ पे रैंडमली जो मेरी अल्फ़ाबेट्स फॉन्ट की जो साइज़ है वो 1 है। 1 के हिसाब से यहाँ पे मेरा जो अल्फ़ाबेट्स मैंने टाइप किया हुआ है वो इसी साइज़ में आएगा। यदि मैं जूम फैक्टर की वैल्यू इंक्रीमेंट करती हूँ, इट मीन्स मैं 2, 5, 10 इस तरह से देती हूँ, तो मुझे यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स मैं
टेक्स्ट बॉक्स के अंदर स्टोर करने के लिए पुटअप करूँगी तो उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। सो शायद यहाँ पे जो मैं जूम फैक्टर है वहाँ पे जो प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट 1 है वो रिमूव करके मैं 5 देकर फिर से रन करती हूँ। सो अब जो रन करके आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा DIPI के मेरा नाम जो है वो 5 मैंने दिया, सो वो बड़ी साइज़ में आ गया है, उसका फॉन्ट साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है। सो जूम फैक्टर का मीनिंग क्या है, अपना जो फॉन्ट है जो आप लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डालने वाले हो उसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो डिक्रीज अदरवाइज इंक्रीज़ करता है। सो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और ये जूम फैक्टर की प्रॉपर्टी है वो हमारा सिंपल टेक्स्ट बॉक्स है उसमें अलाउ नहीं होता है। सो ये एडवांस फीचर हुआ ना हमारा रिच टेक्स्ट बॉक्स का। सो जो एडवांस कई सारी प्रॉपर्टी है जो टेक्स्ट बॉक्स में हमें नहीं मिलती है लेकिन रिच टेक्स्ट बॉक्स में मिलती है, इसीलिए हम इसको रिच बोलते हैं। सो ये तो हमारी फर्स्ट ही थी, अभी कई सारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें टेक्स्ट बॉक्स में नहीं मिलती है लेकिन रिच टेक्स्ट बॉक्स में मिलती है। सो अब ये वाली मैंने दिखाई वो विदाउट कोडिंग थी, ओनली डिजाइनिंग के पोर्शन से थी, लेकिन अब मैं आपको दिखाऊंगी वो जो है कोडिंग करने के लिए है। सो कोडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर एक बटन ले लेती हूँ और इसका नेम मैं चेंज कर देती हूँ टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके। ये वाला जो बटन है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है यहाँ पे वो बटन 1 रिमूव करके मैं यहाँ पे ओके बटन ले लेती हूँ और उसी में अब हम कोडिंग करने जा रहे हैं। सो आप लोगों को डबल क्लिक करना है ओके बटन पे और मुझे रिच टेक्स्ट बॉक्स में जो भी टेक्स्ट है वो राइट साइड में चाहिए। सो मैं क्या करती हूँ, पहले रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट आप लोगों को लिखना है सिलेक्शन अलाइनमेंट। सो यहाँ पे सिलेक्शन अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा जैसे ही आप लोग 3 या 4 अल्फ़ाबेट्स राइट डाउन करेंगे। सो सिलेक्शन अलाइनमेंट मुझे राइट साइड में चाहिए, सो मैं इस तरह से लिख दूँगी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट राइट। सो अब इसको परफॉर्म करके देख लेते किस तरह से आउटपुट आता है। सो यदि मैं अब जो रिच टेक्स्ट बॉक्स है उसमें कोई भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे लिखती हूँ दीपिका और ओके बटन पे क्लिक करती हूँ सो वो राइट साइड में मुझे मिलेगा इस तरह से। सी आप लोग देख सकते हो मैंने पहले जो दीपिका लिखा हुआ था वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट हैंड साइड में था और जैसे ही मैंने ओके बटन पे क्लिक किया वो राइट साइड में आ गया। सो ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी है जो सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में हमें नहीं मिलती, इसका फीचर्स जो है वो ओनली एंड ओनली रिच टेक्स्ट बॉक्स में मिलता है। उसके बाद यदि हमें सेंटर में चाहिए सो यहाँ से मैं सेंटर भी लिख सकती हूँ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट डॉट सेंटर। यदि आप लोग इस तरह से सेंटर सेट करते हो तो आउटपुट में जैसे ही आप लोग अल्फ़ाबेट्स एंटर करते हो दीपिका सो ये वाला जो मेरा नेम है वो सेंटर में आ जाएगा इस तरह से। सो ये अलाइनमेंट वाली प्रॉपर्टी है वो भी आप लोग सेट करते हो यदि रिच टेक्स्ट बॉक्स में, तो आपको जिस तरह से आपका अल्फ़ाबेट्स लेफ्ट में चाहिए राइट में चाहिए या लेफ्ट सेंटर में चाहिए वो मिल सकता है, लेकिन ये वाला जो फीचर्स है वो हमें सिंपल टेक्स्ट बॉक्स में नहीं मिलता है। उसके बाद हम पहली जो हमारी जूम फैक्टर की प्रॉपर्टी थी उसके बाद ये हमने अलाइनमेंट वाली जो प्रॉपर्टी है वो भी परफॉर्म कर ली। यदि अब हमें हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है उसमें कलर चाहिए सो कलर के लिए भी मैं इस तरह से लिख सकती हूँ रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्शन कलर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिलेक्शन कलर भी है और आपको जो भी कलर चाहिए वो कलर भी सेट कर सकते हो। सो यहाँ से रिच टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट सिलेक्शन कलर इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप लोग कलर आपको जो भी चाहिए वो सिलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकते हो। सो यहाँ मुझे रेड कलर लाना है सो मैं यहाँ पे रेड लिखती हूँ। अब देखते हैं इसको भी परफॉर्म करके, अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने दीपिका लिखा लेकिन मुझे पूरा का पूरा नेम रेड कलर में नहीं चाहिए, मुझे ओनली PI चाहिए। सो मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ पहले PI और ओके पे क्लिक करती हूँ तो देखो ओनली PI जो है वही मेरा जो अल्फ़ाबेट है वो रेड कलर में आया है, DI एंड KA एज इट इज़ ब्लैक कलर में ही है।
सो जिस कलर को मुझे रेड करना है उसको मैं पहले सिलेक्ट करूँगी और उसी के बाद मैं ओके पे क्लिक करती हूँ। सो इस तरह से मुझे अल्फ़ाबेट्स में जो कलर चाहिए वो कलर भी आ जाएगा। सो ये वाली भी प्रॉपर्टी हम रिच टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर सकते हैं। उसके बाद यदि मुझे बुलेट लाना है, मेरे नेम जो मैंने रन टाइम पे लिखती हूँ और वहाँ पे मुझे बुलेट्स चाहिए, सो बुलेट्स के लिए भी आप लोग प्रॉपर्टी सेट कर सकते हो। उसकी जो प्रॉपर्टी है वो है सिलेक्शन बुलेट। आप लोगों को क्या राइट डाउन करना है वहाँ पे, सिलेक्शन बुलेट। और जैसे ही आप लोग सिलेक्शन बुलेट अनेबल करने के लिए उसकी वैल्यू ट्रू देते हैं, सो मैंने अनेबल करने के लिए उसकी वैल्यू जो है वो ट्रू लिखी है। सो ये वाली प्रॉपर्टी जब मैं सेट करती हूँ एज अ कोडिंग टाइम पे, तब मुझे अपना जो नेम है उसके आगे बुलेट आना चाहिए, वो बुलेट भी मिल जाएगा इस तरह से। सो ऐसी कई सारी प्रॉपर्टी जो है वो हम रिच टेक्स्ट बॉक्स में सेट कर सकते हैं। सो इसीलिए जो ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स है उसको हम रिच टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये वाला जो कॉन्सेप्ट है रिच टेक्स्ट बॉक्स का वो इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा। सो अभी भी आपको कोई भी रिच टेक्स्ट बॉक्स में डाउट है तो आप लोग मुझे गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सएप में, अदरवाइज यहाँ पे यूट्यूब की जो कमेंट है वहाँ पर भी आप लोग लिख के मुझे बता सकते हो। सो आई होप यू ऑल इजीली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट अबाउट रिच टेक्स्ट बॉक्स फ्रॉम दिस PPT वीडियो लेक्चर सीरीज विथ प्रैक्टिकल लाइव डेमो। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपिका प्रजापति फ्रॉम कंप्यूटर डिपार्टमेंट एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई चैनल दीपिका प्रजापति। सो लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वन न्यू एडिशनल कंट्रोल एज अ पिक्चर बॉक्स। हम लोगों ने पहले कई एडिशनल कंट्रोल्स, इनकी पहली जो वीडियो सीरीज हमारी है वहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट के साथ लाइव प्रैक्टिकल डेमो के साथ अंडरस्टैंड किया है। अब हम जो न्यू एडिशनल कंट्रोल जो है वो स्टडी करने वाले हैं। सो वो वाला जो हमारा कंट्रोल्स है वो पिक्चर बॉक्स है। सो पिक्चर बॉक्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म होगा विजुअल स्टूडियो में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वर्किंग क्या है। सो यदि आप लोगों को कोई इमेज डिस्प्ले करनी हो आपकी साइट में, अदरवाइज़ आप लोग को पता है कि आप लोग कोई बड़ी साइट है जैसे कि अमेज़ोन है या कोई भी है, वो साइट आप लोग ओपन करते हो तो आप लोगों को साइड में एडवर्टाइजमेंट दिखाई देता है, अदरवाइज कोई पिक्चर आ जाता है। सो इस तरह का आप लोगों को भी अपनी साइट में पिक्चर्स लाना है, एडवर्टाइजमेंट पुटअप करना है, सो इस तरह से आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वो कैसे होता है, सो पिक्चर बॉक्स का वर्किंग क्या है। सो द पिक्चर बॉक्स इज़ यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इमेजेस ऑन द फॉर्म and the image property of the control allow you to set an image at a run time, otherwise at a design time. So उसका property table इस तरह का है, हम किस किस property जो है वो picture box control के लिए set कर सकते हैं। so यहाँ पर back color है, image है, image location है, size mode है, tab index है, ये सारी जो property आप लोग दिख रहे हैं ये सारी property हम पिक्चर बॉक्स जो हमारा एडिशनल कंट्रोल है वहाँ हम सेट कर सकते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन जब GTU के एग्ज़ाम में आस्क हो तो आप लोगों को पहले उसका डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसके बाद ये वाला जो प्रॉपर्टीज टेबल यहाँ पे दिखाया है इस तरह का प्रॉपर्टी टेबल ड्रॉ करना है, उसके बाद नेक्स्ट उसका मैथड टेबल है, कौन सी मैथड हम यूज़ कर सकते हैं। सो टू स्ट्रिंग मैथड है जो हम पिक्चर बॉक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो टू स्ट्रिंग वाली जो मेथड है वो क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सो हमारा जो पिक्चर बॉक्स करंट में है वहाँ पे आप लोग जो कोई स्ट्रिंग डालते हो सो वो स्ट्रिंग रिटर्न करने के लिए आप लोगों को मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, टू स्ट्रिंग मेथड। सो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। उसकी इवेंट्स है यहाँ पे क्लिक इवेंट, माउस एंटर, माउस लीव, रीसाइज, ये वाली सारी इवेंट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सो हम अभी जो यूज़ करने वाले हैं वो क्लिक इवेंट यूज़ करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल अबाउट पिक्चर बॉक्स। सो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक पिक्चर बॉक्स का एग्जांपल दिखाया है। सो ये वाला आप लोग स्क्वायर देख सकते हो, स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये स्क्वायर जो है यहाँ पे ये हमारा पिक्चर बॉक्स है जो आप लोगों को यहाँ से टूल बॉक्स देख सकते हो, टूल बॉक्स में से यहाँ से आप लोगों को ये वाला देख रहे हो पिक्चर बॉक्स, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, मैंने ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके ही लिया हुआ है।
सो ये पिक्चर बॉक्स जब आप लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो, सो इसी साइज़ में आप लोगों को एट रन टाइम जो आप लोग पिक्चर लाना चाहते हो, इमेज जो शो कराना चाहते हो, वो आ सकता है। सो इसका कोडिंग आप लोगों को कहाँ पे करना है, इसका कोडिंग जो है आप लोगों को क्लिक इवेंट बटन से ही कर सकते हो। अदरवाइज यदि आप लोगों को बटन यूज़ नहीं करना है, तो आप लोग उसकी जो फॉर्म जो है वहाँ डबल क्लिक करके फॉर्म की लोड इवेंट में भी आप लोग कोडिंग कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने कोई भी बटन यूज़ नहीं किया है, आप लोग देख सकते हो, मैंने ओनली पिक्चर बॉक्स ही ड्रैग एंड ड्रॉप किया है, बटन ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया है। सो इसका कोडिंग हम कहाँ करेंगे, सो ये हमारा फॉर्म जो है, जो फॉर्म दिख रहा है डिज़ाइनिंग में, वो फॉर्म पर डबल क्लिक करना है आप लोगों को, और फॉर्म के ऊपर आप लोग डबल क्लिक करोगे तब इस तरह से कोडिंग का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्राइवेट सब फॉर्म वन अंडरस्कोर लोड, सो ये वाली लोड इवेंट है हमारी फॉर्म की, जब आप लोग फॉर्म पे डबल क्लिक करोगे तब ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से कोडिंग करना है। तो हमने क्या लिया है, पिक्चर बॉक्स, इसलिए हम लोग क्या राइट डाउन करेंगे यहाँ पे, पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज इज इक्वल्स टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, कहाँ से हमें पिक्चर्स लेना है। सो फ्रॉम फाइल में आप लोगों को पाथ देना है जहाँ पर जहाँ पर आपकी पिक्चर है स्टोर हुई है, वहाँ से आपको उसकी प्रॉपर्टी में जाकर पाथ लेना है, और वही पाथ आप लोगों को मी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू पेस्ट करना है। और बस ये दो लाइन का ही कोडिंग है पिक्चर्स शो करने के लिए। सो आप लोगों को इजीली याद रह जाएगा, पहले आप लोगों को पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज लिखना है, उसके बाद इमेज डॉट कहाँ से शो होनी चाहिए, तो जहाँ पे हमारा स्टोर हुआ है पिक्चर उसका पाथ है, वहीं से स्टोर जो है, यहाँ से ही हमारी पिक्चर जो है वो शो होनी चाहिए, इसलिए हम फ्रॉम फाइल करके उसका पाथ यहाँ पे है वो डिनोट्स किया है। सो अब मैं आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाती हूँ। सो आप लोगों को यदि मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाऊंगी तो ज़्यादा आइडिया आएगा। सो लेट स्टार्ट, अब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करने वाले हैं। सो आप लोगों को पहले माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो एंटरप्राइज 2015 ओपन करना है, और वहाँ पे इस तरह से फॉर्म जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, मैं उसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर देती हूँ। आप लोग भी इस तरह से अपना फॉर्म मैक्सिमाइज कर सकते हो। अब यहाँ मैं पिक्चर बॉक्स ले लेती हूँ, यहाँ जो टूल बॉक्स है, टूल बॉक्स में से पिक्चर बॉक्स इस तरह से आप लोगों को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब थोड़ा पिक्चर का जो हाइट विड्थ है वो मैं बढ़ा देती हूँ, ताकि हमारा पिक्चर जो है वो थोड़ी बड़ी साइज़ में आए रन टाइम पे। सो ये हमारा जो पिक्चर बॉक्स है वो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया है। अब यहाँ पे कौन सा पिक्चर मुझे लाना है वो अब हम कोडिंग के बेस में पाथ सेट करेंगे। सो अब मैं जो फॉर्म है वहाँ पे डबल क्लिक करती हूँ। सो जैसे ही मैं डबल क्लिक करूँगी, इस तरह से फॉर्म की लोड इवेंट आप लोग देख सकते हो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मेरी फॉर्म की लोड इवेंट जो है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ मुझे कोडिंग करना स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है, पिक्चर बॉक्स। सो यहाँ पे पिक्चर बॉक्स वन डॉट इमेज इज इक्वल्स टू इमेज डॉट, आपको जहाँ से फाइल लेनी है इसके लिए आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, फ्रॉम फाइल और पैरेंथेसिस इट मीन्स ब्रेसेस में विद इन अ डबल कोटेशन, यहाँ पे आप लोगों को पाथ देना है। अब पाथ आप लोग कौन सा देंगे, जो पिक्चर आपको चाहिए उसका। सो सपोज यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मिनिमाइज करके, मुझे शायद ये वाला पिक्चर चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियर, ये मुझे पिक्चर चाहिए। तो क्या करना है, आप लोगों को जहाँ पर भी आपका जो इमेज है उसकी राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद आपको जो प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वहाँ पर क्लिक करना है प्रॉपर्टी। और जैसे ही आप लोग प्रॉपर्टी पे क्लिक करोगे, यहाँ लोकेशन दिखाई दे रहा होगा आपको, देखो यहाँ पे लोकेशन है। सो आपको क्या करना है, ये वाला जो लोकेशन का पाथ है उसको कॉपी करना है। सो मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ,
और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जो हमारा है वहीं पे पेस्ट करना है। सो ये वाला पाथ मेरा आ चुका है। अब यहाँ से कंप्लीट नहीं होगा, अभी भी आप लोगों को पाथ कॉपी करना है। यहाँ पे देखो, सी ड्राइव में, यूज़र के फोल्डर में, SSP 3 के फोल्डर में, डेस्कटॉप पर अभी भी बाकी है। अभी आप लोगों को पाथ कंप्लीट नहीं है, अभी आप लोगों को पाथ में ऐड करना है। सो ये जो मेरा पाथ मैंने यहाँ से लिया हुआ है प्रॉपर्टी में से, वहीं पर आप लोगों को डेस्कटॉप के बाद इस तरह का स्लैश करके अभी भी एक कॉपी करना है। सो ये वाला कॉपी हो जाए तब आप लोगों को आपने जो इमेज का नेम रखा है, दिया हुआ है, यहाँ पे मेरी इमेज का नेम क्या है, कंप्यूटर इंजीनियर। सो ये वाला जो मेरा नेम है उसको अब मैं कॉपी करती हूँ, और कॉपी करने के बाद उसको ये हमारा स्लैश है उसके आफ्टर ही पेस्ट करना है। अभी भी मेरा पाथ कंप्लीट नहीं है, अभी भी आपको डॉट करके इसका एक्सटेंशन क्या है वो देख लेना है। सो अब हम एक्सटेंशन भी देख लेते हैं, उसका एक्सटेंशन क्या है, .jpg है। सो कंप्यूटर इंजीनियर के बाद आप लोगों को यहाँ पे डॉट करके क्या लिखना है, JPG, जो हमारा इमेज का एक्सटेंशन है। कौन सी फॉर्मेट में हमारी इमेज है, JPG फॉर्मेट में। सो अब ये हमारा पाथ जो है वो कम्प्लीटली ब्राउज हो चुका है। अब क्या करना है, इसी पाथ को आप लोगों को कॉपी करना है। यहाँ से कॉपी करके आप लोगों को नेक्स्ट यहाँ पर ही ऐसे लिखना है, मी डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको फिर से ये वाला जो पाथ है वो पेस्ट करना है। ये पेस्ट हो जाने के बाद आपका जो कोडिंग है पिक्चर बॉक्स का वो कंप्लीट हो जाता है, और अब इसको रन करना है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरा प्रोजेक्ट रन करने के लिए, और देखना है हमारा पिक्चर बॉक्स जो हमारी इमेज है वो आती है या नहीं। सो मेरा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ट होना शुरू हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ट होना शुरू हो चुका है, बिल्ट स्टार्टेड हो चुका है। यहाँ से बिल्ट हमारा थोड़ी देर में सक्सीड भी हो जाएगा और आउटपुट भी आ जाएगा। थोड़ा सा ही वेट करना है, हमारा आउटपुट आ जाएगा, बिकॉज़ कोई भी एरर नहीं है। सो यदि एरर होती तो रेड लाइन या कुछ वार्म अप अदरवाइज वार्निंग भी हम लोगों को दे देते, लेकिन कोई भी एरर नहीं है। अब सक्सीड हो चुका है और आउटपुट भी इन अ फ्यू सेकेंड में आ जाएगा। देखो आप लोग देख सकते, यहाँ हमारा आउटपुट आ चुका है, ट्रस्ट मी, कॉज आई एम अ कंप्यूटर इंजीनियर। सो ये मैंने इमेज आप लोगों को दिखाई थी। सो ये इस तरह से आउटपुट भी आ जाता है। सो ये हमारा जो है वो पिक्चर बॉक्स का कोडिंग है, और उसका लाइव परफॉर्मेंस डेमो है। सो जब भी एग्ज़ाम में इस तरह का पिक्चर बॉक्स कंट्रोल एस्क होता है तो आप लोगों को इसको इस तरह से पहले डिज़ाइनिंग करना है, उसका कोडिंग भी राइट डाउन करना है, और कोडिंग राइट डाउन करने के बाद आप लोगों को आउटपुट भी दिखाना है। सो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। सो ये आप लोग ने कोडिंग भी कंप्लीटली देख लिया है, इस तरह का आउटपुट भी हम लोगों को मिल जाता है। सो आई होप यू ऑल इजीली अंडरस्टैंड अबाउट द पिक्चर बॉक्स कंट्रोल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम में, व्हाट्सएप में, और यहाँ मेरी जो यूट्यूब चैनल है उसकी कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू ऑल इजीली अंडरस्टैंड अबाउट दिस ऑल कंट्रोल्स फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर सीरीज़। सो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा वीडियोस, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं और लाइक करो। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।